खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। PTI को आवाम के जानो माल के तहफ़ से कोई सरोकार नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ सूबाई हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी एक सवालिया निशान है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जैसी बेहुदा गुफ्तगू करते हैं, ये उनकी तरबियत जाहिर करती है। सूबे में तालीम और सेहत का निज़ाम तबाह होकर रह गया है। अली अमीन मंडापुर, अपने सूबे और काम पर तवज्जो दें। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू कि उन्होंने अफसरान के साथ कैसे बातचीत करनी है। वो सरेआम उन्होंने गुंडागर्दी और बदमाशी की हुई है, अफसरान पर हाथ उठाते हैं और ये पता नहीं है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर उनको क्या बताते हैं, कानून क्या है। आप कभी पुलिस स्टेशनों पे हमले करते हैं, कभी आप गलत तजावीज़ात को सपोर्ट करते हैं और आप सबके सामने ये जो इंसाफ हुकूमत आई थी और हम बार बार कह रहे थे BRT करप्शन का गढ़ है, तो जो रिपोर्ट आई है उस पर अब सूबाई हुकूमत क्या बोलेगी। हक तो है कि सूबाई हुकूमत इस पर अपने जो जो लोग मुलवस को गिरफ्तार करे और इस्तीफा दे। PTI हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा BRT का सबसे बड़ी करप्शन है। बिलियन ट्री किधर गए, टिम्बर माफिया की नज़र हो चुके हैं। हेल्थ पे आप बोलें तो हेल्थ में भी यही सूरत हाल है। एजुकेशन पर बात करें तो एजुकेशन का सत्यानाश है। इस सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया है सूबाई हुकूमत। सबसे पहले जो है इस सूबे में मैं बात करूँगा तो अपन अमन पे करूँगा, अमन अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी है। वज़ीर आला अपने ज़िले में अमन नहीं ला सकता, अपने तहसील और अपने घर में नहीं ला सकता, तो बाकी सूबे में क्या ले जाएगा।